हेलो एवरीवन, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा, जून 2024 बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ था, फोर्थ ए एंड फोर्थ बी, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। सो पहले फोर्थ ए पेपर डिस्कस कर लेते हैं। 40 मार्क्स का पेपर है आपका। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पूछ रखे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल पूछ रखी है बी पार्ट में। उसके बाद हमारे पास यूनिट फर्स्ट दी हुई है, डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स द कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज पूछ रखा है। सेकेंड क्वेश्चन इस यूनिट में दिया हुआ है, थ्रो सम लाइट्स ऑन द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस ईच अदर, भाषा एवं समाज के संबंध पर प्रकाश डालिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो भाषा और समाज के संबंध के ऊपर क्वेश्चन है यूनिट सेकेंड फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड यूनिट के दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट में व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स एंड व्हाट मोड्स वुड यू अडॉप्ट फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल के जो डेवलपमेंट है, उसके लिए आप कौन सा मोड चूज करोगे, कौन सी विधि, कौन सा कौशल श्रवण कौशल के साथ आप मतलब प्रयोग में करोगे, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। यहाँ पर दो ये देखने वाली बात यह है कि 8-8 नंबर में पूछ रखा है, तो 8-8 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको 16 नंबर का क्वेश्चन बनाकर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर इसको सीधा 16 नंबर के अकॉर्डिंग लिख के आएंगे, बट वो ये बीच में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, विद्यार्थियों में भाषाई कौशल विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है, पहले 8 नंबर का आप इसको बनाओगे, फिर श्रवण कौशल विकसित करने के लिए आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे 8 नंबर का, फिर आप इसको एक्सप्लेन करोगे, टोटल 6-7 पेजेस में ये आपके 8-8 नंबर के का क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए 6 पेज और फिर दूसरे 8 के लिए 6 पेज, 6-7 पेज काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये भी इसी तरीके से पूछ रखा है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स पूछ रखा है, एंड हाउ कैन यू यूज़ इंटरनेट एज एन एड्स फॉर डेवलपिंग रीडिंग, कि आप पठन कौशल का विकास करने के लिए आप इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार से करेंगे और पठन कौशल को विकसित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। सो ये था हमारा पेपर फोर्थ ए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इसके बाद हम देख लेते हैं 2024 का नेक्स्ट पेपर है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम एक बार चर्चा करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है, रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम में पूछ रखा है, अध्ययन विषय ज्ञान की विद्यालय पाठ्यक्रम में भूमिका पूछ रखी है, रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में संबंध पूछ रखा है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन की, जो कि है अध्ययन विषय के अर्थ प्रकृति और प्रकारों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मीनिंग नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द एमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स फ्रॉम फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट से पूछ रखा है कि दार्शनिक संदर्भ से विद्यालयी विषयों के आविर्भाव की विवेचना कीजिए। सो फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में पूछ रखा है इसके ऊपर एमर्जेंस ऑफ स्कूल के ऊपर क्वेश्चन मतलब आ ही जाता है। फिर हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की, इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अध्ययन विषयों के ज्ञान में संबंधित विभिन्न पहलुओं को दर्शाइए, हाईलाइट डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी नॉलेज, ये दो बार पूछ लिया है क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में। और सेकंड जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज इन शेपिंग द स्कूल टेक्स्ट बुक्स एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे पूछ रखा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली पाठ्यक्रमों को आकार देने में विभिन्न अभिकरणों आ सकता है या फिर एजेंसियां अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि भूमिका बताइए उनका, इसमें रोल क्या है डिफरेंस एजेंसीज का, किसको नेशनल लेवल पर स्कूली पाठ्य पुस्तकों को आकार देने में। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पेपर फोर्थ बी, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। 40 मार्क्स का आपका ये पेपर है, और पेपर को टैकल करने के लिए आप PYQ जरूर देख कर जाए, मोस्टली क्वेश्चन रिपीटिंग होती है, जस्ट क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है उसको थोड़ा मोल्ड करके पूछ लेते हैं।
सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, जिन बच्चों के अभी रिपेयर के एग्जाम चले हुए हैं. आई होप कि ये वाला जो पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया है आपके लिए यूजफुल हो. हैव अ गुड डे.